जिस कंपनी के बारे में आप जानते नहीं हैं, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कुछ वरुण बफक जी के कुछ नियम हैं जो ने स्टॉक मार्केट के कुछ नियम बना रखे हैं। दोस्तों, जैसे जिस कंपनी के बारे में आप जानते नहीं हैं, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और जो दोस्तों पेशेंस, जब आप स्टॉक मार्केट में आए, दूसरा नियम बोलते हैं उनको, पेशेंस आपने बहुत जरूरी है रखना है स्टॉक मार्केट में। आप 10 मिनट के लिए नहीं, 10 साल सोच के आएंगे तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा या रिटर्न उठा सकते हैं। और जो दूसरा नियम, सबसे अच्छे टाइम, दोस्तों जब टाइम हो तभी इन्वेस्टमेंट करना। जब मार्केट नीचे गिरे तब जरूर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर करना दोस्तों। और शेयर नहीं, कंपनी खरीदनी है आपने, शेयर नहीं दोस्तों, कंपनी खरीदनी है। जो उसके शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। अमीर बनने की जल्दबाजी मत करना, अमीर बनने की कभी भी जल्दबाजी मत करना। फटाफट अमीर बनने के बारे में मत सोचना दोस्तों। उसके बाद हर जगह के शेयर मत खरीदना दोस्तों। जो इसका 7वां नियम बोलता है, जैसे आपने 2 रुपए वाले स्टॉक खरीदे, 3 रुपए स्टॉक वाली, कितने भी क्वांटिटी बहुत कर ली पर क्वालिटी का एक स्टॉक नहीं खरीदा, ऐसा स्टॉक कभी मत खरीदना। आप उसमें लॉस होने का खतरा रहेगा दोस्तों। अगर आप इन नियमों पे चलोगे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा दोस्तों स्टॉक मार्केट में। उसके बाद दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए दोस्तों। ये जो कंपनी है, 205 से अधिक उत्पाद ये बनाती है कंपनी, जैसे इसमें साबुन, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट और हेयर केयर और ऑयल केयर और स्किन केयर का इसका ये बिजनेस करती है। इसके लिए जो ये केमिकल कर बनाती है दोस्तों, ऑयल केमिकल जो इन प्रोडक्ट में यूज होता है दोस्तों, इसका ये बिजनेस, जो कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्वटेक्स लिमिटेड दोस्तों, जो कंपनी ने शुरुआत की थी 1986 से कंपनी ने शुरुआत की थी दोस्तों। ये कंपनी है होम केयर और पर्सनल केयर के लिए काम करती है, जो ये केमिकल पे आधारित है पूरी पूरी कंपनी। जो कंपनी के पास है फॉर्मेस सर्टिफाइड 45 उत्पाद है, जहां जिसको रिन्यू मिलता 61% का, और स्पेशलिस्ट केयर प्रोडक्ट का 106 उत्पाद है इसके पास, ये प्रोडक्ट है जहां से इसको 39% का रिन्यू मिलता है। और जो भौगोलिक विभाजन पे देखें हम, इंडिया से इसको 38% का रिन्यू मिलता है, और अमेरिका, मिस्री और तुर्की से 31% का इनकम होती है कंपनी को, और जो सेल्स होती है 31% का। जो हम इसका नया उत्पाद देखें, देखो कंपनी कुछ दिनों में अपना 2 नए उत्पाद लॉन्च करने वाली है जो व्यक्ति देखभाल के लिए यूज होंगे दोस्तों, ग्लास सोप सेल। जिसके बाद हम इसके प्लांट देखें, कंपनी के पास 7 प्लांट है, जो एक तुर्की में और एक यूएसए में है दोस्तों। इसके पास इसके क्लाइंट देखें, क्लाइंट 80 देशों में इसका काम चलता है दोस्तों, जहां पर इसके क्लाइंट 1450 ग्राहक है इसके, ये क्लाइंट है। जो क्लाइंटों में बड़े बड़े क्लाइंट में इसके जो है, जैसे यूनिवर, रॉकेट और ब्रेक रिजर्व, उसके बाद पीएनडी, पीएनडीजी और लोयर हिमालय और कोलगेट, ये कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनी है इसकी क्लाइंट है। जो दोस्तों इसका, इनसे क्लाइंटों से जो इनकम होती है, राजस्व इनकम मिलती है। जिसके बाद हम इसका दोस्तों मार्केट कैप्चर देखें, 8722 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। जो स्टॉक पे है 26.6, जो बुक वैल्यू है 493, जो ये डिविडेंड दे रही है 0.73 का डिविडेंड दे रही है, जो आरओसी है 19.2, जो आरओई है 18.3, जो फेस वैल्यू है इसकी 10। जो हम कंपाउंड करें सेल देखिए, पिछले 5 साल में कंपनी ने 11% की सेल की है, पिछले 3 सालों में 10% की कंपनी ने सेल किया है। और जो हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें, पिछले 5 सालों में 12% की कंपनी ने ग्रोथ की है प्रॉफिट में, और 3 साल में 11% से कंपनी ने ग्रोथ की है प्रॉफिट में। और जो हम कंपनी का सीजीआर देखें, पिछले 3 साल से कंपनी ने 19% का सीजीआर बढ़ाया। और जो रिजर्व देखें, 1712 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है, और जो बोरिंग है 470 करोड़ का बोरिंग है कंपनी का। देखो रिजर्व कंपनी ने अच्छा मेंटेन कर रखा है, पैसा अच्छा मेंटेन कर रखा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। और जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, 17.93 का प्रमोटर की होल्डिंग है, जो एफएल की होल्डिंग है 2.82 का,
और जो डीएल की होल्डिंग है 12.73 का, और जो पब्लिक होल्डिंग है 13.52 का। देखो दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है इसमें, और जो एफएल की होल्डिंग बड़ी है, और इसकी में ये है बेनिफिट दोस्तों, होल्डिंग मतलब बढ़ रही है। सितंबर का हम रिजल्ट देखें, जून में 1159 करोड़ की सेल हुई थी, वही सितंबर में 1232 करोड़ की सेल हुई है कंपनी। जो नेट प्रॉफिट जून का 100 करोड़ था, वही फिर सितंबर का 84 करोड़ हुआ है दोस्तों। और जो हम साल का देखें, 2021-22 का देखें, 2021 का 2782 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2022 में 3684 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। और जो नेट प्रॉफिट देखें, 302 था नेट प्रॉफिट कंपनी का 2021 में, वही 2022 में 263 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है 2022 में। जो शेयर प्राइस चला है 2455 शेयर प्राइस चला है, जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 47%, जो 1 साल का -19% का 1 साल का रिटर्न रहा है दोस्तों। हाई किया दोस्तों, जिसने हाई किया 3400 के लगभग इस कंपनी ने हाई किया दोस्तों, जिसको दोस्तों कोई इन्वेस्टर 2020 में मात्र 81,000 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता, तो उसके आज की डेट में 2,20,950 रुपया बन जाता दोस्तों। मतलब उसको 1,20,000 का प्रॉफिट के लगभग मिल जाता उसको। तो ये है दोस्तों दो लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट की पावर दोस्तों। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1-2% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी अभी डाउन में भी चल रही है बहुत। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। दोस्तों सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं है, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ है दोस्तों। अगर आपने भी कोई स्टॉक का एनालाइज करना है दोस्तों, कॉमेंट में डाल देना, उसको हम ट्राई करेंगे एनालाइज कराने की दोस्तों।